दोस्तों अगर आपको भी केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया क्वालिफायर का रोमांचक मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2021 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया, जहां पर दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक कड़ा मुकाबला इस क्वालिफायर मैच में देखने को मिला। दोस्तों आपको बताएंगे इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं क्या धोनी इस बार अपने टीम को चैंपियन बना पाएंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों आज आईपीएल 2021 का दूसरा क्वालिफायर मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शारजाह के स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों आज का मैच आईपीएल 2021 के फाइनल मैच में पहुंचने के लिए जंग था। यहां पर जो भी जीता उसे चेन्नई के साथ फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में इस महामुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीता और शारजाह की स्लो पिच पर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी। तो दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शाह और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने आए, तो दोनों बल्लेबाज नई गेंद का पावर प्ले में फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए दो ओवर में पिच को समझने के बाद तीसरे ओवर से पृथ्वी शाह ने अटैक करना शुरू किया। जब तीसरा ओवर लेकर आए साकिब के ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़कर दबाव बनाना चाहा, वहीं पृथ्वी को देखकर शिखर धवन ने भी अपने हाथ खोले और सबसे खतरनाक गेंदबाज सुनील नारायण के ही छक्के छुड़ा दिए, जब लगातार दो गेंदों में दो छक्के जड़कर 14 रन जड़ दिए और पहले गेंद में ही सुनील नारायण की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। दोस्तों पहले दो ओवर में दिल्ली ने जहां सिर्फ 6 रन ही बनाए और फिर अगले दो ओवर में 25 रन जड़ दिए और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत कर ली थी और हर गेंद पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहला ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने पृथ्वी शाह को पहले ही गेंद पर चकमा दे दिया और LBW आउट कर इस जोड़ी को तोड़ दिया। पृथ्वी ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसे बड़ी पारी में बदल नहीं पाए और 12 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों पृथ्वी के आउट होने के बाद दिल्ली ने स्टोइनिस को पावर हिटिंग बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि रन गति रुके ना। हालांकि स्टोइनिस तेजी से रन तो नहीं बना पाए, लेकिन शिखर धवन के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी करके टीम के स्कोर को 11 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन स्टोइनिस टीम के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और अंत में 23 गेंदे खेलकर सिर्फ 18 रन ही बना पाए। उन्हें शिवम मावी ने बोल्ड कर केकेआर को 11वें ओवर में दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों पृथ्वी के आउट होते ही धवन और स्टोइनिस विकेट तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन तेजी से रन नहीं बना पाए। केकेआर के गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए, लेकिन वे रन बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, जिसका फायदा कोलकाता को आखिरी ओवरों में मिला। शिखर धवन धीमा खेलते हुए 39 गेंदे खेलकर 36 रन बनाए और दबाव उन पर बढ़ा, जिसकी वजह से वे भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। वहीं धवन और स्टोइनिस के धीमा बल्लेबाजी की वजह से बल्लेबाजी करने आए कप्तान पंत पर दबाव बढ़ गया टीम के स्कोर को बढ़ाने का, क्योंकि विकेट तो बचे थे लेकिन रन कम बने थे और स्कोर बोर्ड को बढ़ाने के चक्कर में पंत ने आते ही बड़े शॉट लगाना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। उन्हें फर्गुसन ने सिर्फ 6 रन पर ही वापस पवेलियन भेज दिया। वहीं सिमरन हेटमैन ने दो छक्के लगाकर 10 गेंदों में 17 रन बनाकर टीम के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे भी अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए और रन आउट हो गए। दोस्तों इस धीमा पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन श्रेयस अय्यर का संघर्ष अंत तक जारी रहा और आखिरी गेंद में छक्का लगाते हुए 27 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसकी वजह से दिल्ली 20 ओवर में 135 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। वहीं कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। दोस्तों टॉस जीतकर केकेआर ने दिल्ली को कम स्कोर पर रोकने में कामयाब हो गई, लेकिन इस स्लो पिच पर 136 रन भी भारी पड़ सकते थे, क्योंकि दिल्ली के पास भी वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, तो उनके सामने कोलकाता के बल्लेबाजों को भी रन बनाना आसान नहीं होने वाला था। वहीं फाइनल में टीम को पहुंचाने के इरादे से उतरे केकेआर के दोनों ओपनर वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने कोलकाता को शानदार शुरुआत दिलाने में कामयाब हो गए। छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरे दोनों बल्लेबाज ने पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों 136 रनों के छोटे टारगेट का पीछा करते हुए पावर प्ले में ही ओपनर 50 रन बना लिए, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। वहीं कम रन बनाने के बाद दिल्ली को चाहिए था पावर प्ले में ही कम से कम 2 विकेट चटकाए, लेकिन उसके गेंदबाज कामयाब नहीं हो पाए। पावर प्ले के बाद भी दोनों बल्लेबाजों का शानदार बल्लेबाजी जारी रहा। मिडिल के ओवर में भी दिल्ली का कोई भी गेंदबाज इन्हें रोक नहीं पाया। इसके लिए केकेआर के इन दोनों ओपनर की तारीफ तो करनी होगी, खासकर युवा बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर की, जिन्होंने मात्र 38 गेंदों में 50 रन बनाते हुए कोलकाता को जीत के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों दिल्ली की क्वालिटी गेंदबाजों के सामने और इस स्लो पिच पर अय्यर की ऐसी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। अय्यर एक छोर पर तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे छोर पर गिल उनका साथ दे रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने 12 ओवर में ही 96 रन जोड़कर दिल्ली को इस मैच से बाहर कर दिया।
हालांकि रबाड़ा इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब हो गए। अय्यर 55 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। कोलकाता को शानदार जीत मिली उसके दोनों ओपनर की बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से। साथ ही इस हार के बाद तो दिल्ली आईपीएल से भी बाहर हो गई है। दोस्तों, दिल्ली को फाइनल में पहुंचने के लिए दो मौके मिले, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा पाए। अब फाइनल में केकेआर और चेन्नई का बीच मुकाबला खेला जाएगा।